हेलो एवरीवन वन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी क्या होता है उसके अंडर हमने डिटेल में जाना था कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं उसके लेवल्स क्या होते हैं इकोसिस्टम क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड अबाउट बायोम बायोस्फीयर बहुत कुछ हमने जाना था अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं एंड हम इस वाले लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट दी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में इसके अंडर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके स्टेजेस कितने होते हैं इसके अंडर हमारे टोटल थ्री स्टेजेस होते हैं फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज क्लाइमैक्स सक्सेशन ओके एंड द थर्ड पॉइंट हम जानेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इसके मेन कॉजेज क्या क्या होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन सो so, सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन सिंपली मीन्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस ठीक है इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन माने जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में अगर छोटा सा भी चेंज हो या कुछ भी चेंज हो बड़ा या छोटा ठीक है किसी भी चीज़ की वजह से उसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं ठीक है और अगर किसी एरिया में सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ सिंपली मीन्स एंड इंटरक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज़ इन अ कामन लोकेशन मतलब अगर कोई भी ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होती है ए कामन लोकेशन में लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट्स या फिर ग्रुप ऑफ़ एनी एनिमल्स ये सारे ही आ, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप आ, अगर किसी भी चेंजेस के अंडर जाता है कोई भी प्रोसेस के थ्रू उसके अंडर चेंज होता है उसे हम कहेंगे सेरे ठीक है इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इन एन एरिया द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट अंडर गो चेंजेस इज कॉल्ड सेरे उसे सेरे कहते हैं एंड जब ईच कम्युनिटी ठीक है हर कोई कम्युनिटी जो कि चेंज होती है उसको सेरल स्टेज कहते हैं या फिर सेरल कम्युनिटी कहते हैं ओके जस्ट रिमेम्बर दैट एंड ये जो पॉइंट है सेरे ठीक है एंड इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द थ्री स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में सो so, फर्स्ट हमारी जो स्टेज है वो है प्राइमरी सक्सेशन एंड इसे पायनीर कम्युनिटी के नेम से भी जाना जाता है सो जस्ट डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन दैम सेकेंड वन इज सेकेंड्री सक्सेशन एंड द थर्ड वन इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी ओके सो जस्ट रिमेंबर दैट सो so, सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी सक्सेशन यानी कि पायोनीर कम्युनिटी के बारे में ये जो सक्सेशन होता है ये कहाँ पे अकर होता है ये अकर होता है इन लाइफलेस एरियाज ठीक है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है उस जगह पर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है ठीक है एंड प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे रीजन में होता है जहाँ पर सॉइल इज़ इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ ठीक है सॉइल एक रॉक टाइप के फॉर्म में होती है जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पाना एक इम्पॉसिबल ही है ठीक है वेन द प्लानट वॉज फर्स्ट फॉर्म जैसे कि ये प्लानट है अर्थ है ये जब फॉर्म्ड हुआ था पहले इस पर कोई भी सॉइल नहीं थी ठीक है ये जो अर्थ है ये बनी है सिर्फ रॉक से पत्थरों से ठीक है एंड ये जो रॉक्स हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी थे ठीक है एंड उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने क्या किया कि ये जो रॉक्स को छोटे छोटे पीसीज में इरोड करना स्टार्ट कर दिया ठीक है जैसे ही उन्होंने इरोड किया उन सारे रॉक्स को मतलब जो भी रॉक जैसे ही इरोड करते गए वो लोग रॉक्स को तो वहाँ पर एक सॉइल का फॉर्मेशन होने लगा ठीक है तो जैसे ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ तो वहीं से प्लांट लाइफ की फाउंडेशन स्टार्ट होने लगी ठीक है वैसे ही प्लांट्स स्टार्ट होने लगे मतलब ग्रो करना एंड वहाँ तो पे फाउंडेशन स्टार्ट हो गई प्लांट लाइफ की एंड जैसे ही प्लांट लाइफ स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से एनिमल का भी सर्वाइवल स्टार्ट होने लगा ठीक है एंड जैसे जैसे ही प्रोग्रेशन स्टार्ट होने लगा तो ऐसे ही धीरे धीरे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हुआ एंड देन सेकेंडरी सक्सेशन एंड फिर क्लाइमेट्स कम्युनिटी लास्ट में अगर प्राइमरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयड हो जाता है पूरी तरीके से तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन का फॉर्मेशन होता है एंड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है सबसे पहले तो बेयर रॉक है यहाँ पर यानी कि लाइफलेस एरिया जहाँ पर Uh, अपने आप ही माइक ऑर्गेनिजम्स यानी कि लाइकेंस वगैरह अकर होते हैं एंड इन बेयर रॉक्स को ब्रेक uh, डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में एंड वहीं से ही फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट होता है जहाँ पर ग्रासेस एंड पैरियल्स अकर होते हैं एंड प्लांट्स एंड लाइकेंस भी अकर होते हैं छोटी छोटी लाइफ स्टार्ट होती है जहाँ से उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन ओके जस्ट रिमेंबर दैट नाउ नेक्स्ट हम सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में जानेंगे इसमें आ, ये आ, उल्टा है प्राइमरी सक्सेशन से क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ से अकर होता है ये तभी अकर होता है जब प्राइमरी इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाता है एंड डिस्ट्रॉय मतलब यहाँ पर है एक मेजर डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्ट्रॉयड जब हो जाता है प्राइमरी सक्सेसन लाइक मेजर डिस्टर्बेंस यहाँ पर मतलब है टोटल फायर की वजह से यानी कि एरोड हो जाता है पूरा फॉरेस्ट या फिर फ्लड या फिर आफ्टर ट्री फेलिंग इन अ वर्ड लैंड तो किसी भी मेजर इवेंट की वजह से अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर वीट फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहीं से ही सेकेंडरी सक्सेशन का स्टार्ट होता है यानी कि फॉर्मेशन होता है एंड जो स्टेजेस हैं सेकेंडरी सक्सेशन के वो कुछ ना कुछ सिमिलर होते हैं प्राइमरी सक्सेशन से वो हम आगे देखेंगे ठीक है एंड यहाँ पे एक डिफरेंस नोट करना ज़रूरी है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में प्राइमरी सक्सेशन ऑलवेज बेगन ऑन अ बैरन सरफेस ठीक है जहाँ पे सिर्फ रॉक्स uh, वगैरह होते हैं सॉइल नहीं होती है वहीं से प्राइमरी सक्सेशन का स्टार्ट होता है फॉर्मेशन होता है एंड सेकेंडरी सक्सेशन जो होते हैं वो होते हैं बेगन्स इन एनवायरमेंट्स डेट ऑलरेडी प्रोसेस सॉइल जहाँ पर ऑलरेडी मतलब फॉरेस्ट वगैरह रह चुके हैं बट वो हो गए हैं किसी major event की की वजह वजह से से, से या से, and वहां पे फिर से life occur हो रही है तो वो secondary succession माना जाएगा, ठीक है? है, पे आप एक के भी समझ सकते हैं कि secondary succession में सबसे पहले आ, फायर, या फिर यहां पे अगर आ जा जाती है, उसकी वजह से पूरा हमारा देखिए ये हो रहा है जल रहा है, कुछ सालों बाद कुछ प्लांट्स का जनरेट जनरेशन स्टार्ट होगा ठीक है उसी की वजह से फिर आगे हर्ब्स श्रब्स पाइंस ये सारे ट्रीज़ का भी जनरेशन होगा फॉर्मेशन होगा ठीक है उसी की वजह से हमारा सेकेंडरी सक्सेशन भी स्टार्ट होगा यानी कि दूसरा चेंज ओके जस्ट रिम्बर दैट नाउ लास्ट वन इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी जिसका सिंपली मीन्स है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी ठीक है यानी कि लॉन्ग लास्टिक कम्युनिटी ये कम्युनिटी लॉन्ग लास्टिक रहेगी स्टेबल रहेगी एंड इसके अंडर एनर्जी बैलेंस रहेगा अच्छे से प्रॉपर कुछ इन्वायरमेंट्स में होता है ऐसा एंड जहाँ पर ऐसा हो तो उसी को ही हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग मतलब वो आ, मतलब फॉरेस्ट कभी भी एरोड ना हो पाए तो उसी को ही हम आ, मि कम्युनिटी कहते हैं एंड इस कम्युनिटी में एक बैलेंस ऑफ लाइफ रहता है यानी कि लाइफ जो कि प्रोड्यूस होए और दूसरी तरफ से कंज्यूम भी एंड दोनों के बीच में बैलेंस रहे एनर्जी बैलेंस रहे तो उसी को ही हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं एंड दिस स्टेट ऑफ इक्म कॉल द क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ओके इसमें हम देख सकते हैं स्टेज़ ऑफ प्राइमरी सक्सेशन यानी कि पायोनी स्टेजेस एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंड्री एंड द थर्ड वन इज़ क्लाइमिक्स कम्युनिटी जिसमें कि शेड ऑफ टॉलर ट्रीज यानी कि खूब ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो एंड uh, यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरे डायग्राम में क्लाइमेट कम्युनिटीज क्या क्या हो सकती हैं यानी कि डेजर्ट डेजर्ट में एक प्रॉपर प्लांट्स रहते हैं एंड uh, कैक्टस वगैरह होते हैं ठीक है तो वहाँ पे uh, कोई इरोड होने की संभावना तो है नहीं ज़्यादा तो उसको हम क्लाइमेट कम्युनिटी कहेंगे डेजर्ट में फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हों For example, Amazon rainforest which is situated in Brazil, which is the best example for the climax community in the कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड भी हो सकता है क्लाइमेट कम्युनिटीज़ का एग्जाम्पल एक कोरल रीफ्स ठीक है ये सारे ही एग्जाम्पल जहाँ पे एक स्टेबल लाइफ हो ठीक है एंड अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग गिव एंड टेक कर रहे हैं यानी कि प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एक इक्ब्रियम स्टेट में कर रहे हैं तो उसी को ही हम क्लाइमेट्स कम्युनिटी कहते हैं ना नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में इकोलॉजिकल सक्सेशन की इकोलॉजिकल सक्सेशन इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ईको अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे उसकी वजह से फिर ग्रोथ भी नहीं होगी ना कोई डेवलपमेंट होगी एंड इसकी वजह से फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे एंड फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इसी की वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ईकोसिस्टम ठीक है एंड इट इन इनिशियट्स कोलोनाइजेशन ऑफ़ न्यू एरियाज एंड रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द एरियाज़ दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सर्टेन बायोटिक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स ठीक है जिसका सिंपली मीन्स है कि इको लॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो इनिशिएट करता है जहाँ पर लाइफ नहीं होती है वहाँ पर भी लाइफ अक्र हो एंड ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो ठीक है तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है सो दैट फॉर्मेशन हो फॉरेस्ट वगैरह का जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन अडॉप्ट टू द चेंजेस एंड दी लर्न टू सर्वाइव इन अ चेंजिंग एन्वायरमेंट इसी की वजह से ये लोग ऑर्गेनिजम uh, जो होते हैं यानी कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स uh, होते हैं वो भी सर्वाइव करना सीख जाते हैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ठीक है एंड हमारी जो लास्ट स्लाइड है वो होगी अबाउट दी मेन कॉजिज़ ऑफ इकोलॉजिक तो ये सिर्फ दो चीज़ों की वजह से होता है फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज़ क्लाइमेटिक फैक्टर्स ठीक है इन दो चीज़ों की वजह से एकोलॉजिकल uh, सक्सेशन में डिस्ट्रॉय हो सकता है कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या फिर ऑर्गेनिजम्स का या फिर एनिमल्स या फिर फॉरेस्ट किसी भी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर ए हो सकते हैं वो सिर्फ़ इन दो चीज़ों की वजह से दैट इज़ बायोटिक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स This means climatic factors, winds, fires, soil erosion, and natural disasters Includes the climatic factors. And due to this, it can destroy the populations of an area. So these are the two main causes of ecological succession. Now, this is the end of our video. I hope you have found this video informative. Thanks for watching it. And if you like this video, do like, share, and subscribe to my channel. That is Shivis Study Education. And I'll see you in the next one. Till then bye bye, take care.